ऑलिव पटेटो बॉल्स। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ ऐशा और आज हम बनाने वाले हैं ऑलिव एंड पटेटो बॉल्स। और इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 उबले हुए और मैश किए हुए आलू, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 4 बड़े चम्मच मैदा, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 5 से 6 ब्लैक ऑलिव्स, 5 से 6 ग्रीन ऑलिव्स, 2 बड़े चम्मच पार्मेजान चीज़, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 2 बड़े चम्मच चिल गोज़ा, 5 से 6 बेजल के पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, तेल डीप फ्राइंग के लिए। सबसे पहले हम ऑलिव्स को चॉप करेंगे और अब ब्लैक ऑलिव्स को भी चॉप करेंगे। अब हम चिल गोज़े को भी काट लेंगे। अब इन सब को हम एक बोल में मिक्स करेंगे। सबसे पहले चिल गोज़ा, उसके बाद हम डालेंगे ऑलिव्स, मैश किया हुआ आलू, प्याज, लहसुन, पार्मेजान चीज़, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा ब्रेड क्रम, नमक और बेजल के पत्ते। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक नरम सा डो बन जाए। ये डो अच्छी तरह से बन गया है और अब हम इस मिक्सचर का छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से बाकी के मिक्सचर के भी छोटे छोटे बॉल्स बना दें। ऑलिव बॉल्स तैयार है। अब हम एक मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर के लिए मैदा और पानी, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले और ध्यान रखें कि पेस्ट एकदम स्मूथ बने। अब हम ऑलिव बॉल लेंगे, इसे हम ये बैटर में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम के साथ कोट करेंगे। मैंने पहले से ही तेल को गर्म करके रखा है और अब बॉल को डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह से बाकी के सब बॉल्स को भी डीप फ्राई करें। ऑलिव पटेटो बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे आप एक एग्जॉबिन पेपर पर निकालें। ऑलिव पटेटो बॉल तैयार है, इसे गर्म सर्व करें।